हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक अपडेट ड्रॉप हुआ है जिससे कि टेलीपोर्ट पैड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम गार्डन, और उस वीडियो में कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे कि व्हाई रिमूव टेलीपोर्ट पैड्स, रिमूव द होल गार्डन। सो बेसिकली प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी। सो इसलिए जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो सिर्फ फार्म करते हैं इस गेम में, सो दे आर यूजिंग अ स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दिस टेलीपोर्ट इशू। सो आई विल बी शेयरिंग दैट स्ट्रैटेजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो बेसिकली हो क्या रहा है अभी बताते हैं, बट अभी सीन क्या हुआ कि मेरा फार्म डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही था कि इट वाज नॉट फुल AFK, ये मेरा सेमी AFK फार्म ही था जिसमें मेरे को डायरेक्शंस चेंज करना पड़ता था। सो मेरे को लकी कह लो या कुछ भी कह लो, सो मेरे को ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करना पड़ा। सो आई रिमूव द टेलीपोर्ट पैड्स। मेरा फार्म ये पहले भी यही था, आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। सो मेरे को दूसरा क्रॉप से मतलब नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गॉट ऑल द गोल्ड मेडल्स। ये जो अभी हाल में फिनिगन मेयर बना था उसमें आई अचीव्ड ऑल द गोल्ड मेडल्स। सो अगर हम फार्म करने भी वाले हैं तो आई विल बी फार्मिंग नेदर वॉट्स फॉर कॉइन्स, इफ़ आई विल बी फार्मिंग। ओके, सो ये वाला फार्म जो मेरा था वो फोर लेयर वाला था, जो फोर रोज है इसमें, ठीक है। सो डोंट कॉपी माई फार्म, बट इफ़ यू आर कॉपिंग जस्ट इंक्रीज वन मोर रो। हम भी वही करेंगे, एक और इसमें एक और लगा देंगे अगर एफिशेंटली देखा जाए तो, एफिशेंटली अगर फार्म करना है तो। सो ये क्या है, कुछ नहीं है, बस यू जस्ट गो एंड उस एंड में जाके ड्रॉप होना है आपको, जैसे कि यहाँ पे, उधर से यहाँ से यू विल गो टू दैट एंड, देन ड्रॉप, देन कम हेयर एंड देन यू विल ड्रॉप हेयर अगेन एंड जस्ट रिपीट, गो दैट एंड, ड्रॉप, कम हेयर, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप एंड जब आप उधर जाओगे, सो लेट मी गो देयर। सो अगर इधर आते हैं हम लोग, सो एंड में क्या हो रहा है, बस कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे था पहले वैसे ही है, बस ड्रॉप हो के जैसे ही आप यहाँ पे आओगे इस रो में, एंड में आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी है, जो मेन स्ट्रैटेजी है, यही है कि कीप फार्मिंग फार्मिंग एंड देन ड्रॉप टू वॉइड, दिस इज़ वन थिंग, ड्रॉप टू वॉइड और डू स्लैश गार्डन, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग फार्मिंग, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट फार्मिंग क्या करना है, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, यू जस्ट हैव टू सेट योर रिस्पॉन पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, सो इफ यू सी, सो जैसे आप नेदर वॉट फार्म करने वाले हो, ठीक है, सो लेट मी गेट माई हो, नॉट दिस, सो इफ़ यू वॉन्ट टू फार्म नेदर वॉट, अपना एंगल उंगल बना लो जो भी है एंड सेट योर रिस्पॉन, सेट रिस्पॉन, आई डोंट नो क्या कमांड है, सेट रिस्पॉन, सो द कमांड इज सेट स्पॉन। सो क्या करना, जब भी फार्म स्टार्ट करोगे, ये जैसे नेदर वॉट फार्म करना है, यहाँ पे ब्लॉक पे आके खड़ा हो जाओ और सेट स्पॉन कर दो एंड यस कीप फार्मिंग, ठीक है, फार्म करते करते जाओ एंड फिर एंड में क्या होगा, लेट मी गो टू दैट एंड, यहाँ पे एंड में फार्म करते करते आओगे कहोगे एंड यू विल ड्रॉप हियर एंड देन यू विल कंटिन्यू योर फार्मिंग, ठीक है। ये वॉइड में ड्रॉप होके आप ये कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा जो वॉइड में ड्रॉप होने वाला है ना, ये थोड़ा सा डाउन टाइम है, बिकॉज आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वो ड्रॉप करेगा कम्प्लीटली वॉइड में और कब मरेगा एंड देन फिर स्पॉन होगा। सो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर यू कैन डू इज एक ब्लॉक प्लेस कर दो यहाँ पे, सो दैट यू डोंट फॉल इन वॉइड, जस्ट प्लेस अ ब्लॉक ताकि आप वॉइड में ना गिरो एंड देन फार्म करते करते आओ और फिर सीधा वॉक टू गार्डन एंड देन कीप फार्मिंग, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेट मी सी व्हाट वाज द इशू,
यहाँ पे फार्म करते करते आओगे एंड देन वॉप एंड देन यू अगेन कंटिन्यू योर फार्मिंग, ठीक है। सो ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजी है, बाकी सब सेम है, कुछ भी नहीं है, बस टेलीपोर्ट पैड आप नीचे से ऊपर आने के लिए यू कैन यूज़ दैट टेक्निक। यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो अपना जो पहला ब्लॉक है एंड देन जस्ट स्पॉन बैक टू द रिस्पॉन पॉइंट। इसके लिए एक वो यूज़ कर सकते हो, हॉट बार की सेट कर सकते हो, जैसे की शॉर्टकट वॉप गार्डन को, जैसे हम इसको इस बटन पे सेट करके रखे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड क्विकली आप वॉप कर सकते हो सीधा अपना रिस्पॉन पॉइंट पे एंड देन कंटिन्यू फार्मिंग। सिमिलरली अगर आपको दूसरा फार्म्स करना है तो जस्ट रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो अपना स्टार्टिंग पॉइंट में एंड देन कंटिन्यू फार्मिंग। एंड नेदर वॉर्ड जैसा है, जैसा ये बिल्ड है, सिमिलरली सारा होगा, सारा मतलब वीट, कैरेट हो, पटेटो, ये सब सेम स्ट्रैटेजी है। बाकी चेंजेस आ रहा है कैक्टस इज़ ऑल्सो सेम, मेरा पहले जैसे था वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस वही है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट में आपको रिस्पॉन पॉइंट सेट करना पड़ेगा और लास्ट में यू नीड टू वॉर्प बैक टू द स्पॉन पॉइंट। और ये स्ट्रैटेजी सेम है, बस ये इनफाइनाइट नहीं है, इसको अगर आप लोग मेरा फार्म कॉपी कर रहे हो तो इसको स्ट्रेच कर दो, आई थिंक 20 या 21 रोज़ होना चाहिए इसमें एंड इट इज़ इनफाइनाइट। ये कैक्टस, विल टॉक अबाउट मशरूम बाद में, बाकी सब सेम है। अपना कोको बीन फार्म इज़ ऑल्सो सेम, ये पहले से ही मेरा सब जिगजैग वाला ही था, सो आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। शुगर केन भी मेरा जिगजैग था, बस वही रिस्पॉन पॉइंट सेट करना है एंड एंड में वी हैव टू वॉर्प। मेरा कोको बीन भी जिगजैग वाला ही था। सो टेलीपोर्ट पैड बंद होने से क्या हुआ है कि यू कांट फार्म वन डायरेक्शनली, मतलब एक ही डायरेक्शन में फार्म नहीं कर सकते, आपको डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो इजी है, ये वाला इज़ इजी, ड्रॉप डाउन बस करना है और उसमें जिगजैग करना है। दिक्कत आता है हम लोग का मेलन में और पम्पकिन में, इसमें क्या है, हम लोग ड्रॉप डाउन करते थे तीन रो में, इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, यू नीड 9 रोज टू बी इनफाइनाइट। तो अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट करके फिर ड्रॉप होते हो तो फिर आप वापस वहाँ पे ड्रॉप होगे अगर आप वॉप करोगे तो, विच इज़ नॉट इनफाइनाइट। सो इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वर्टिकली 9 रोज आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली करना है एंड 9 रोज हॉरिजॉन्टली करके यू हैव टू जस्ट डू द zigzag, जो zigzag पैटर्न था ना सेम वही पैटर्न हम लोग को करना है। इफ़ यू सी जैसे कि यहाँ पे, सो लेट्स से हम लोग यहाँ से ऐसे फार्म करते हुए आ रहे हैं, जो भी एंगल हम लोग का 30 डिग्री पे जो एंगल होता है, वी आर ओके, थोड़ा सा एंगल नहीं बना रहे, आई एम जस्ट शोइंग यू कि ऐसे ऐसे फार्म करते हुए आओगे, ठीक है, एंगल नहीं बना रहे एंड स्पीड भी नहीं है। सो ऐसे फार्म करते हुए आओगे सीधा, फिर ऐसे जाना, यहाँ पे दो ब्लॉक्स लगा लो टेम्परेरीली, ठीक है, जस्ट फार्म दिस एंड यहाँ पे आओ एंड सिंपली बस डायरेक्शन चेंज करके यू कैन कंटिन्यू योर फार्मिंग। तो सिमिलरली पूरा मेलन एंड पम्पकिन दोनों सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सो जिगजैग मूवमेंट बेसिकली, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको सेम ही करना है, ऐसे करके करके करते हैं, यहाँ पे आके यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो पम्पकिन और मेलन हो गया एंड कोको बीन शुगर केन सेम रहेगा, मेरा पुराना फार्म जैसा है वैसे ही रहेगा, नथिंग चेंज, ज़्यादा टेलीपोर्ट पैड हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे थे। मेन दिक्कत आ रहा हम लोग का मशरूम में, मशरूम का दिक्कत यह है कि यू कैन zigzag, देखो अगर हम लोग इसको zigzag करते हैं तो क्या दिक्कत आ रहा है, इफ़ यू फार्म इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके हम लोग फार्म कर रहे हैं एंड फिर हम लोग दोबारा ऐसे बैकवर्ड करके हम लोग नहीं आ सकते हैं, दिक्कत वो हो रहा है कि मशरूम में आपको फार्म करना है तो यू हैव टू गो फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे उधर से हम लोग ऐसे स्ट्रेट करते हुए हैं और ऐसे बैक हम लोग नहीं कर सकते, सो यू हैव टू टर्न अराउंड फुल्ली, जैसे हम लोग यहाँ से ऐसे फार्म करते हुए जा रहे हैं,
सो ऐसे करके हम लोग ऐसे बैकवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते हैं, वी कांट, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे पूरा ऐसे टर्न करना पड़ेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। ऐसे टर्न करना पड़ेगा जिसमें हम लोग को माउस का यूज़ करना पड़ेगा, विच मीन्स बार बार हम लोग का एंगल चेंज करना पड़ेगा, जो कि अपना एंगल होता है 60 या फिर 120। मेरा तो फॉर्म उसी पे सेट है, आई गेस यही है। सो वो करना पड़ता है। आई थिंक मशरूम पता नहीं कैसे करते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है। हम जो अपने टॉप फार्मर से वो लोग का आइलैंड भी विज़िट करके देखे क्या कर रहे हैं, तो वो लोग भी यही चीज़ किया है, बस कुछ एक दो ब्लॉक तोड़ दिया है। एंड आई डोंट नो, विदाउट रोटेटिंग तो ये पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा है, एंड मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज़ अब मेरे को सिर्फ फार्म करना है, तो नेदरवॉर्ड फार्म करना है इफ़ आई विल बी फार्मिंग। सो मेरे तो सॉर्टेड है, बाकी सब मशरूम में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब फार्म नथिंग मच चेंज्ड, बस थोड़ा सा इनपुट चेंज करना है हम लोग को, डायरेक्शन चेंज करना है, और एंड में स्पॉन सेट करना है बस। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प किया होगा, थोड़ा सा। अब कंप्लीटली एफ के तो नहीं कर सकते, बट सेमी एफ के कह सकते हो, यू कैन सेमी एफ के। थोड़ा बहुत इनपुट आपको बीच बीच में देना पड़ेगा, और आप फार्म्स बिल्ड कर रहे हो तो ट्राई करो कि 5 रोज़ वाला फार्म बिल्ड करो, 4 वाला मत करो। 4 बिल्ड करोगे तो फिर स्पीड में यू विल बी ट्रैवलिंग प्लॉट एंड में जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि 4 रोज़ है तो स्पीड भी आपका ज़्यादा रहेगा, और जल्दी जल्दी आप प्लॉट्स चेंज करेंगे तो जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, विच मीन जल्दी जल्दी इनपुट भी चेंज करना पड़ेगा। सो 5 रोज़ बनाओ, स्पीड स्लो रहेगा एंड थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा। सो यही है, आई थिंक अभी यही स्ट्रैटेजी चल रहा है फार्मिंग में। और इसके अलावा कुछ और अगर लेस इफेक्टिव, आई मीन इससे भी अच्छा कुछ एफिशिएंट मिलता है तो अपडेट करते हैं। फ़िलहाल के लिए यही है, यही अपडेट है। अगर कोई भी फार्मिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता है, स्पॉन पॉइंट सेट करो एंड देन स्पॉन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप कुछ हेल्प किया हो ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।